मानिका, कम ऑन यार, आलिया की बातों को हम सीरियसली नहीं ले सकते। सेटल लीविंग फैब फाइव, इतना बड़ा डिसीजन उसने लिया और तुझे लगता है शी कांट बी सीरियस? सब मेरी वजह से। कम ऑन यार मानिक, फॉर गॉड सेक, तू अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहा है? वी आर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में सब चलता है। शी इज सफरिंग फ्रॉम बुलेमिया, और वो भी किस वजह से? डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो हम लोग दे रहे हैं, और ये सब मुझे पता भी नहीं है, तुम्हें भी नहीं पता। सब दोस्त यार ठीक है, बट जस्ट अ पासिंग फेज यार। आई मीन ऐसा नहीं कि वी हैव लॉस्ट आलिया फॉरएवर। अब तू ब्रेकअप मुक्ति हम आलिया को खो चुके हैं। यार दैट वाजंट आलिया स्पीकिंग, ठीक है? शी इज नॉट वेल, शी इज सफरिंग फ्रॉम बुलिमिया, स्ट्रेस है, इट वाज अ इमोशनल आउटबर्स्ट, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली, आलिया जिस सिचुएशन में है, उसकी जो कंडीशन है, उसमें मूड स्विंग्स, ये सब कुछ कॉमन है। एंड आई थिंक कि उसको वो रियलाइज होगा, शी विल फील गिल्टी अबाउट इट एंड शी विल कॉल अस बैक and we'll say sorry and we'll say that I was stupid. What's him? I think Kabir is right. I'm sure Alia will realize and she'll come around. Tujhe kya lagta hai Dhruv? Are usse kya lagta, usko bhi yahi lagta hai yaar. Kabir, main apne liye khud bhi bol sakta hu aur main teri har ek baat pe agree kyu karu? Meri khud ki koi opinion nahi hai kya? Main ye nahi keh raha hu, of course you can, but I was just trying to. क्या लगता है आलिया ने जो कुछ भी कहा वो सही था? बिल्कुल ठीक कहा। मानिक ने नंदी की वजह से हमें इस फैब फाइव को सेकेंडरी रखा। प्लीज विल यू स्टॉप इट, तू क्या बोल रहा है? सही कह रहा हूं मैं, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मानिक नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि मानिक था और हर जगह था। And we were missing from his life. Now I realize कि तुम ऐसा क्यों करते थे, अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए, है ना? Sometimes I wonder कि लोग हमें फाइव फाइव क्यों बुलाते? We should be called मानिक मल्होत्रा and Ryan. यार तू क्या बोल रहा है यार, तू सब भूल गया? अरे स्टेज में खड़ा नहीं हो सकता था तू, ऑडियंस फेस नहीं कर सकता था, you had stage fright. मानिक गेव यू कॉन्फिडेंस, मानिक जो स्टेज पे खड़ा किया, परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस दिया तुझे। He was always there to protect you. He was there as a shield for you. उसने मुझे कभी प्रोटेक्ट किया ही नहीं, सिर्फ ओवरशैडो किया, ओवरशैडो मुझे और मेरे टैलेंट को कवर करता था, सो दैट सबको लगे कि मैं वीक हूं और ही इज द सेवियर। क्या वो क्रॉस कर रहा है यार? अभी नॉट एनी मोर। अब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम दोनों की, तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है, खुद की अपनी आइडेंटिटी है। एंड आई बिलीव इन माई टैलेंट, नहीं रहना तुम लोगों के साथ। सबसे उसने मुझे कभी प्रोटेक्ट किया ही नहीं, सिर्फ ओवरशैडो किया, ओवरशैडो मुझे और मेरे टैलेंट को कवर करता था, सो दैट सबको लगे कि मैं वीक हूं और ही इज द सेवियर। फॉर द फर्स्ट टाइम आई विश ना कोई फैब फाइव होता। फैब फाइव, इट्स ओवर फॉर मी, आई एम लीविंग फॉर माय ओन हैप्पीनेस। वी शुड बी कॉल्ड मानिक मल्होत्रा एंड कैनरा। अब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मुझसे इतना अपसेट। आई हैड नो आइडिया। आई
नो आइडिया, मैं तो बिजी था ना फ्रेंडशिप डे की प्लानिंग करने में. व्हाट अ वंडरफुल डे इट हैज बीन. व्हाट अ वंडरफुल डे. हैप्पी फ्रेंडशिप. Wow, so you're still in the game. I really thought कि तुमने अब तक give up कर दिया होगा. Oh really, Mrs. Malhotra? And why is that? क्योंकि नंदिनी मूर्ति मेरे बेटे मानिक के साथ friendship day celebrate कर रही थी. And imagine the irony. तुम यहाँ उन्हें break करने के लिए अपना hand hurt कर रहे हो. और वहाँ उनका bond और strong होने जा रहा है. What a waste. But I'm more surprised कि आप मुझ पे इतना close watch रख रहे. I like to stay updated. वैसे तुमने बताया नहीं. Is it game over already for you or? No way. मैं मुंबई सिर्फ एक मकसद से आया. That's your son, Manik Malhotra. I won't go anywhere until I get to him. I like the spirit. Anyways, I'll come to the point. मैंने आपका फोन एक फेवर के लिए किया है. I need you to ensure कि मानिक एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पर पहुंचे. मैं डिटेल्स आपको मैसेज कर दूंगा. I'll take care of that. पर तुम्हारा प्लान क्या है? मैं मानिक को कुछ नहीं करूंगा. नथिंग एट ऑल. आई जस्ट वांट टू सी समथिंग. और एक बार वो मैंने देख लिया तो जो कुछ करना है वो मानिक खुद करेगा. आई लाइक द साउंड ऑफ इट. लेट मी वॉर्न यू, मानिक और नंदिनी के रिलेशनशिप ने बहुत कुछ देखा है. अ लॉट ऑफ टेरिबल थिंग्स हैव हैपेंड. इन फैक्ट पीपल हैव डाइड ट्राइंग टू ब्रेक देम अप. देयर वाज दिस गर्ल. सो सर, मिर्ची पाउडर. अनिया, डोंट वरी मिसेस मल्होत्रा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. अब बस मानिक को सही टाइम पे सही वक्त पर पहुंचा देना. ओके ओके आ रहे मैन, लेट्स डू दिस मैन. क्या हुआ मानिक को? कुछ हुआ क्या? अरे कुछ भी नहीं हुआ. He was all right. We just met him. नंदिनी, वो फोन पे तो लो साउंड कर रहा था. सब तुम लोगों के बीच में ठीक है ना? हाँ नंदिनी, हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम, सब ठीक है. इनफैक्ट हम लोग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, सो वी आर गेटिंग लेट. हम तुम्हें बाद में मिलते हैं. यू नो व्हाट, ही माइट बी प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर यू. माइट बी, यू नो, यू नेवर नो. मानिक, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट. प्रॉब्लम नहीं है तो फिर माने कि तब सेट क्यों? जस्ट होप इट्स नॉट आ रहे हो. मन ये एक चीज समझ, ये माने सबको जाके नंदिनी को क्यों बोल रहे हैं? यार नंदिनी को कुछ नहीं बताया होगा मानिक. आई थिंक मानिक जेन्युइनली बहुत अपसेट है और नंदिनी समझ गई होगी उसकी बात. बट नेवर माइंड, आई एम श्योर मानिक समझा लेगा नंदिनी. बट फिलहाल हमें बात करनी है ध्रुव और आज्ञा से. ठीक है, सो मैं ध्रुव से बात करता हूँ हमारे से. मानिक, मानिक प्लीज, इतना गुस्सा हो तो मुझसे. मानिक, I'm very sorry. वो मैं ना टैलेंट हंट के बाद तुम्हें सब बताने वाली थी. एवरीथिंग अबाउट आर्यमन इज जस्ट दैट आई वाज स्कैर्ड. बट Manika, I didn't mean like you at all. Manika, I'm very sorry. Nandini, you. यहाँ कब आई? अभी अभी आई मैं. मैं तुमसे बात कर रही थी, तुम्हें तुमने कुछ नहीं सुना? बात कर रही थी नहीं तो मैं तो अरे मैं अपने टैलेंट हंट के लिए अपने ट्रैक वो सुन रहा.
क्या हुआ? तुम कुछ कह रही थी, कुछ इम्पोर्टेंट था?